एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे उसकी डेली रूटीन लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में इन रूटीन को फॉलो करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टारगेटेड गोल्स अचीव कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ कैंपस प्लस पॉइंट। तो आज इस वीडियो में अपन एक एंटरप्रेन्योर की पूरी डेली लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं। फॉर इजिली अंडरस्टैंडिंग, मैंने एंटरप्रेन्योर्स की डेली लाइफ को कुछ पॉइंट्स में कवर किया है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए रात भर काम करना पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और ये इसलिए कि क्योंकि हमें पता है एवरी मिनट की कितनी वैल्यू है जब आप एक बिजनेस बनाते हैं, पर हमेशा उसमें कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत होती है। ईमेल्स का आंसर करने से लेके सेल्स कॉल्स के करने तक और लेट नाइट तक जागना कोई जॉब करना नहीं होता है। इधर अपने माइंड में क्रिएट होने वाले न्यू थॉट्स के लिए टाइम मैनेज करना होता है और कुछ वंडरफुल आइडियाज हमें रात के सुकून में आते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है। सेकेंड इज अर्ली मॉर्निंग। अगर आप रात भर काम कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना नेचुरल है। एंटरप्रेन्योर के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रात भर जागना। दुनिया से पहले उठकर आप गेम से आगे निकल सकते हैं, अपना दिन प्लान कर सकते हैं और सबसे जरूरी टास्क से पहले उन्हें टैकल कर सकते हैं जब कोई और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सुबह के रूटीन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें दिन भर फोकस और मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद करता है। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंटरप्रेन्योर इज फेलियर। फेलियर इज द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, लेकिन ये सबसे वैल्यूएबल भी है। हर बार जब भी आप हारते हो आप कुछ नया सीखते हैं और ये फेलियर आपको दोबारा वही गलती ना करने में बहुत हेल्प करता है। हर एंटरप्रेन्योर के लिए नेसेसरी क्वालिटी है। फेलियर वो पार्ट है जिसके लिए आपको कभी भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, रेदर इसे दिल से अपनाना चाहिए। वन मोर इज बींग मिसअंडरस्टूड। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका विजन और पेशेंस जो लोग नहीं समझते हैं या आप समझा नहीं पाते हैं, इसमें ना उनकी गलती है और ना आपकी गलती। आपके माइंड के उस क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करके उन्हें राइट प्रूफ करना है और उससे अर्निंग करके उनको एक बता देना है व्हाट आर यू से। लेकिन ये भी ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना ये भी शो कर सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं या फिर कोई लाइफ चेंजिंग वर्क कर रहे हैं। ये चीजें आपकी खुद की थिंकिंग और बिलीफ को शो करने में बहुत हेल्प करता है ताकि आप दूसरे लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकें। देन फिफ्थ इज ऑलवेज ट्राई टू न्यू थिंग। ये पॉइंट एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, चाहे वो कोई न्यू प्रोडक्ट हो या नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या वर्क करने का कोई न्यू सिस्टमेटिक वे। कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से ही एंटरप्रेन्योर लोगों से बहुत आगे होते हैं और लोगों की नजरों में हाईलाइट रहने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन न्यू थिंग्स और क्रिएटिव आइडिया को ट्राई करना, रिस्क लेना और अनसर्टेनिटी से फाइट करना बहुत जरूरी होता है इनके लिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये जानता है कि किसी भी गेम की पॉसिबिलिटी फेलियर होती है, फिर भी वो कुछ बड़ा करने की तलाश में अपने लिए रिस्क लेता है और एट द एंड वो सक्सेस तक पहुंच ही जाता है। दिस इज द बिग कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल पीपल एंड एंटरप्रेन्योर। Sixth is total responsibilities. As an entrepreneur, आप अपनी ही ship के captain हैं। इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है, good से bad तक, इन सब में बस आप ही responsible हैं। ये responsibility का level danger जरूर हो सकता है, लेकिन ये extremely effective भी है। जब आप अपनी life के लिए और business के लिए पूरी responsibilities उठाते हैं, आप पूरी तरीके से अपने control में होते हैं और आप अपना right way और decisions खुद ले सकते हैं और किसी और को ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि आपको अब क्या करना है। और इन स्टेप्स को आप एक बार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करें। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।